हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है कैपिटल मार्केट। हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ टाइप्स क्या होता है, यानी कि इनके भी अंदर जो जो आते हैं वो क्या होते हैं, साथ में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के जो कि इशू किए जाते हैं, ये सारे चीज हम लोग आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है मनी मार्केट के ऊपर। आपको अगर मनी मार्केट के ऊपर कन्फ्यूजन हो तो आप ऊपर आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उसका वीडियो जाकर के देख लीजिए। और मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट के अगर ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पॉइंट इज, जहां तक बात रही कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, मैंने आपको मनी मार्केट के वीडियो में शॉर्ट शॉर्ट समझाया था कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो कैपिटल मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल मार्केट कहते हैं। यानी कि वैसे इंस्ट्रूमेंट्स या वैसे मटेरियल्स या वैसे एसेट्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड किए जाते हैं वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। जैसे कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं इक्विटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जहां तक अगर हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की और डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो जैसा मैंने आपको बताया, कैपिटल मार्केट आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे पैसे लगाते हैं जहां पर आपके लॉन्ग टर्म तक पैसे लग जाते हैं, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो चाहे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो। तो मनी कैपिटल मार्केट के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट हुआ जहां पे आपके इनिशियल, यानी कि इनिशियल स्टेज, जहां पे जब कोई जो शेयर होता है या बॉन्ड होता है वो जब इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। जैसे कि आईपीओस का नाम आपने सुना होगा, आईपीओस यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओस होते हैं, फिर उसके बाद राइट्स इशू होते हैं, जो कि लेटेस्ट राइट्स इशू आपको रिलायंस ने किए थे। तो ये आईपीओस, राइट्स इशू और भी एफपीओस जो होते हैं दोबारा इशू किए जाते हैं, तो वो सारे प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें अभी तक हुई नहीं है, अभी खाली कंपनी ने ऑफर किया है लोगों को, तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। आईपीओस, एफपीओस, राइट्स इशू, ये सारे जो इशू होने का जो प्रोसेस का जो बीच का शुरू का पार्ट होता है वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होता है। सेकेंडरी मार्केट में तब आता है जब ये सारी चीजें लिस्ट हो जाएं, जब वो ट्रेड होना शुरू हो जाएं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट यानी कि जैसे कि आप समझ जाओ तो एनएससी, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मार्केट जब आपने मान के चलते हैं कि किसी का आईपीओ आ गया, जैसे कि लेटेस्ट अभी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो उसका आईपीओ उसने अभी निकाला हुआ है, अभी चल रहा है आईपीओ। अब जब लिस्ट होगा आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो एनएससी बीएसई पर आ जाएगा दोनों जगह, तब वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब जहां तक हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देखिए, इक्विटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा कि ट्रेजरी बिल्स भी होता है, जो हम लोग मनी मार्केट के वीडियो में हम लोग ने बात की थी। क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म तक आपका पैसा लगाए कहीं पे भी, चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वो सारे कैपिटल मार्केट में आते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें तो इक्विटीज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इक्विटीज में दो आ जाता है, एक हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा माफ करिएगा, ये प्रेफरेंस है, और ये एक इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी का इक्विटी होता है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या हो जाता है कि इक्विटी में बंदा मालिक बन जाता है, यानी कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो इसको पैसा सबसे लास्ट में मिलना है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इसको पैसा सबसे लास्ट में मिलना है, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इसको पैसे मिलने ही नहीं है। तो ये इक्विटीज होते हैं। और प्रेफरेंस में क्या होता है, प्रेफरेंस यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का हल्का सा ऊपर, यानी कि कम पावर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मालिकाना हक हो जाता है, और इनके पास एक बार शेयर्स आ गए तो आ गए, कोई भी कंपनी अब वापस इनको, वापस अगर चाहे कि यार इनको पैसे वापस दे करके इनसे शेयर वापस ले लो, तो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो खुद बेचने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन यही चीज डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में क्या होता है, यार आपने 100 रुपए दिया, अच्छा लो 110 रुपए पकड़ो, अब जाओ यहां से, आपका हिसाब चुकता हो गया। लेकिन इक्विटीज में क्या होता है कि अगर किसी ने 100 रुपए दिया तो उसका उस सर्टेन परसेंट के लिए
वहां पे शेयर बन गया। तो अब जब तक वो बंदा जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं वो बेचना नहीं चाहे, तब तक उसका मालिकाना हक उस कंपनी में रहता है। और यही चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में रहती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसको चाहे तो लोग निपटा सकते हैं, लोग बोले तो यार लो अपना पैसा पकड़ो जाओ यहां से, तो ये होता है। लेकिन साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये भी फायदा है कि अगर आपको फायदा हुआ है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तब भी ये मतलब एक तरह से मालिक नहीं है पूरे, लेकिन फायदा थोड़ा सा मालिक जैसा मिल जाता है। फिर जैसा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपको एक तरह से डेट इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है। जैसे बॉन्ड्स में बहुत सारे होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सारे अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइम के लिए होते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल और आगे लंबे लंबे समय तक जाते हैं। और डिबेंचर्स हो जाता है एक तरह से लोन्स, कोई भी कंपनी जिसको पैसे चाहिए, मान के चलो कोई खर्चे के लिए चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वो डिबेंचर इशू करती है, जिससे कि वो अभी मान के चलिए आपसे पैसे ले लेगी और बाद में आपको पैसे वापस कर देगी विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स आपको अलग अलग इशू होते हैं यार, ये भी इक्विटीज के तरह होते हैं। इक्विटी जैसे मैंने अभी आपको नहीं बताया, इक्विटीज इशू होते हैं डिस्काउंट पे, पार और प्रीमियम पे, और डिबेंचर्स भी वैसे इशू किए जाते हैं। तो मतलब एक तरह से समझ लो कि यार लोग 100 रुपया ले रहे हैं सामने वाले से और 110, 115 जो भी जितना भी इंटरेस्ट कंपनी देनी चाहे वो देती है अपने नाम के हिसाब से, आप गुडविल के हिसाब से समझ सकते हो। अगर कोई कंपनी में ज्यादा रिस्क है तो बंदा ज्यादा इंटरेस्ट खोजेगा, लेकिन अगर कोई रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, आपको ITC में इन्वेस्ट कर रहा है, तो बंदे को मालूम है कंपनी नहीं भागेगी। अगर वो 5-6% भी दे रही है तो मतलब पता है कि मिल जाएगा पैसा वापस। तो उस हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। तो ये होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कैपिटल मार्केट के, और ये जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स हैं। और अभी जब इसके आगे आप जाएंगे तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में डेरिवेटिव्स भी आते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि जो आपको अलग अलग जो स्पॉट मार्केट और ऑप्शंस मार्केट जो फॉरवर्ड मार्केट होते हैं वो भी आते हैं इसके अंदर। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उतना, मैंने अलग अलग डेरिवेटिव्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर पूरा, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया मैं बोलने पे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स के ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई कार्ड पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में, यही या फिर आप सीधा जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लो और साथ में स्टडी प्रैक्टिकली लिख देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये होते हैं साथ में, जैसे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है यार, तो अलग अलग, वो भी एक अलग ऑप्शन हो जाता है जिससे कि लोग पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो ये टोटल आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गया जो कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स होते हैं दो, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जो कि अलग अलग होते हैं। प्राइमरी मार्केट में ये सारी चीजें आती है, और सेकेंडरी मार्केट जब जब कोई भी स्टॉक या शेयर जब वो लिस्ट हो जाता है, जब उसका IPO से हट करके जब वो ट्रेड होना शुरू हो जाता है, लोग खरीदने बेचने शुरू कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो ये था पूरा कैपिटल मार्केट के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।